and welcome back to our channel. Today we are sharing with you the recipes of 4 different chutneys. So let's get started. सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, जिसके लिए हमें इमली चाहिए। ये मैंने 100 ग्राम ली है। ये मेरी पास सीड्स वाली है, आपको अगर बिना सीड्स के मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा गुनगुना सा, और इसे भिगो के रखेंगे आधा घंटा। अगर आप नॉर्मल पानी लेते हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। ये हमारा आधा घंटा हो गया है, इमली सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें सीड्स हैं तो छानने से सीड्स भी अलग हो जाएंगे। ऐसे दबा दबा के आप इसका पल्प अलग कर लें, और जो इमली में रेशे होते हैं वो भी हमारे अलग हो जाएंगे। ये हमारा इमली का पल्प रेडी हो गया है। अब हम इसे पकाएंगे। ऑयल डालेंगे, साबुत जीरा और हींग। ये हल्का स्प्लटर हो जाए फिर हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। इसमें बॉईल आ जाए फिर इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये बॉईल आ गया है। अब इसमें हम गुड़ ऐड करते हैं। गैस को आप मीडियम फ्लेम पे कर दें, और साथ के साथ अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। नमक, रेड चिली, सौंठ पाउडर, काला नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, भुना जीरा, सौंफ पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये जब गुड़ मेल्ट हो जाए तो हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तब तक आप इसे हिलाते रहें। अगर आपको चटनी ज़्यादा मीठी चाहिए तो इसमें आप चीनी डाल सकते हैं। ये गुड़ मेल्ट होने के बाद, जैसे हमारा बस ये हल्का सा रह गया है, गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें आप 1 या 2 चम्मच चीनी डाल दें तो आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसे चेक करने के लिए कि हमारी चटनी रेडी है कि नहीं, तो करछी के बैक साइड पर देखें, ये कोटिंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारी चटनी रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। हम धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने धनिया लिया है। धनिया थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, पुदीने के पत्ते। आपको पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ले सकते हैं। ग्रीन चिलीज, चाट मसाला, हींग, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, नमक और लेमन जूस। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये हमने ब्लेंड कर लिया है, अब हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम अमचूर की चटनी बनाएंगे, जो आप बाहर से समोसे ब्रेड पकौड़े लेकर आते हैं उसके साथ जो चटनी मिलती है वो। उसके लिए सबसे पहले हम अमचूर डालेंगे, शुगर, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली, क्यूमिन पाउडर और पानी। पानी हम उतना लेंगे जितना हमने अमचूर लिया है उसका 4 गुना। इसे मिक्स कर लें। बस अब इसे पकाएंगे। इसे अब हम थोड़ी देर पकाएंगे, बॉईल आने तक। फ्लेम को आप मीडियम रखें और इसे आप 3-4 मिनट तक पकाएं। उसके बाद हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। ये हमारी अमचूर की चटनी रेडी है। अगर आपको बाजार जैसा कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। अब हम कश्मीरी अनियन चटनी बनाएंगे। ये मैंने अनियंस को स्लाइस में कट किया था और उनको अलग अलग कर दिया। इसे बोल में डालेंगे, सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली, और अगर वो नहीं है तो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं, चॉप मिंट लीव्स, चॉप ग्रीन चिली,
chopped coriander leaves, whole jeera, white vinegar. अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे हम लच्छा प्याज भी बोलते हैं और ये हमारी अनियन चटनी रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।